सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। प्रत्येक माह में दो एकादशी पड़ती है। वर्ष भर में कुल 24 एकादशी होती है। पुरुषोत्तम मास की दो एकादशियों को मिलाकर कुल 26 एकादशियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास रखता है, वह पापी गतिविधियों और पवित्र जीवन में उन्नति के लिए सभी प्रकार की प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाता है। मूल सिद्धांत केवल उपवास रखना नहीं है, बल्कि भगवान कृष्ण के प्रति विश्वास और प्रेम को बढ़ाना है। एकादशी के दिन उपवास रखने का असली कारण शरीर की मांगों को कम करना व हरे कृष्ण महामंत्र का जप अधिक से अधिक करके प्रभु की सेवा में अपना समय लगाना है। लोक परमार्थ सेवा समिति एकादशी की महिमा को भजन के रूप में प्रस्तुत कर रही है। प्रेरणा स्रोत लालू जी व समस्त खरबंदा परिवार, परिकल्पना गोकुलेश दास, सुनील कुमार वैश्य, अशोक कुमार वैश्य, जितेंद्र सिंह, रमेश चंद्रा, संतोष कुमार। ओम जय श्री विष्णु। निर्जला एकादशी 2021। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में दो बार एकादशी पड़ती है। साल में कुछ 24 एकादशी पड़ती हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरे साल की एकादशी के व्रत करने के बराबर फल मिलता है। 21 जून 2021 को निर्जला एकादशी व्रत है। इस व्रत में जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। व्रत के पूर्ण हो जाने के बाद ही जल ग्रहण करने का विधान है, इसलिए भी इसे निर्जला एकादशी के रूप में कहा जाता है। एकादशी की व्रत विधि। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। निर्जला एकादशी का महत्व सभी एकादशियों में सबसे अधिक होता है। इस व्रत के नियम इस प्रकार हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म के बाद स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद श्री भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान श्री विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र जाप करें या किसी भी विष्णु मंत्र या स्तुति का जाप करें और सुने, या फिर भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र और स्तुति का जाप करें और सुने। पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करें, भगवान का भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान श्री विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी का भी पूजन करें। पूरे दिन भगवान स्मरण ध्यान व जाप करना चाहिए। पूरे दिन और एक रात व्रत रखने के बाद अगली सुबह सूर्योदय के बाद पूजा करके गरीबों ब्राह्मणों को दान और भोजन कराना चाहिए। इसके बाद खुद भी भगवान का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। निर्जला एकादशी का महत्व। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि प्रारंभ। जून 20, 2021 को 4:21 सायंकाल। एकादशी तिथि समाप्त। 21 जून 2021 को 1:31 सायंकाल। व्रत तोड़ने का समय 22 जून को 5:24 से प्रातःकाल से लेकर 8:12 प्रातःकाल तक। आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। आस्था ज्योति देखते रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री विष्णु।